आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान के नारों की जय जय घोष। पूरा सलीमनाबाद नगर भगवा रंग में विलीन, यह नजारा था। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर कोरोना महामारी के चलते 2 साल से स्थगित शोभा यात्रा इस बार भव्य तरीके से निकाली गई। लोग झूमते गाते नाचते पवन सुत के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। हालांकि गर्मी के चलते इस बार समय में परिवर्तन किया गया और ये शोभा यात्रा दोपहर की बजाय शाम को निकाली गई, लेकिन इस यात्रा में शामिल हनुमान भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था। लोग नाचते गाते जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्याम बैंड पार्टी ने शानदार प्रस्तुति दी। हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था पर मुस्तैद रही। सलीमनाबाद प्रभारी तहसीलदार संदीप मरावी, TI संजय दुबे ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाल रखा था। पहलवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, मुस्लिम समुदाय ने किया भव्य स्वागत। हनुमान जन्मोत्सव पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में शनिवार को सुबह अखंड रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ। इसके बाद हवन पूर्णाहुति हुई, कन्या पूजन कर कन्या भोज व विशाल भंडारा आयोजित हुआ। देर शाम शोभा यात्रा जब सलीमनाबाद तिराहे पहुंची तो पहलवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। तिराहे में शिवानंद समिति बाबागढ़ ने भव्य स्वागत किया तो मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय ने भव्य स्वागत किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक समानता का संदेश दिया, हनुमान जी से परिवार कल्याण, समाज कल्याण व देश कल्याण की कामना की। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सलीमनाबाद में शोभा यात्रा के समापन पर भक्तों द्वारा ध्वजा अर्पण, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, महाआरती के पश्चात हनुमान जी से परिवार कल्याण, समाज कल्याण व देश कल्याण के साथ ही महामारी देश दुनिया पर आई आफत से जल्द मुक्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य निधि गोलू तिवारी, श्याम जी महाराज, रवि दुबे, नारायण दास सोनी, गणेश तिवारी, राहुल सिंह ठाकुर, सुनील गुप्ता, महेंद्र अग्रहरी, सुरेंद्र अग्रहरी, मनोज अग्रहरी, अखिलेश अग्रहरी, रोहित अग्रहरी, राजू अग्रहरी सहित हजारों की संख्या में भक्तगण सम्मिलित हुए। कटनी मध्य प्रदेश से मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट।
तब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।